नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज भारत की आवाज। बात करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। यूपी में सपा की राह पर चली बीएसपी, 10 पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी बसपा। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने किया ऐलान, यूपी में सपा के लिए प्रचार करेंगी पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी। 8 फरवरी को लखनऊ में होगी वर्चुअल रैली, ममता के साथ अखिलेश भी करेंगे रैली को संबोधित। 70 साल में पहली बार आधा घंटे की देरी से शुरू होगी गणतंत्रता दिवस परेड, कोरोना प्रोटोकॉल का किया जाएगा पालन। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज गोवा में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार का करेंगे ऐलान। पंजाब में भगवंत मान होंगे आपका सीएम चेहरा, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने माहौली में किया ऐलान। मुंबई में इंडियन नेवी के युद्धपोत INS रणवीर पर हुआ ब्लास्ट, युद्धपोत पर तैनात सैनिकों में 3 सैनिक सहित 11 जवान हुए घायल। सपा सुप्रीमो और मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव आज हो सकती है बीजेपी में शामिल। आज अमेरिका नहीं जाएंगे एयर इंडिया की फ्लाइट्स, US एयरपोर्ट्स पर 5G टेक्नोलॉजी तैनात होने के कारण विमान का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होने का है खतरा। WHO ने कहा भारत में फुल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं, मौजूदा उपाय काफ़ी, भारत को कोरोना रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की योजना बनानी चाहिए। भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज आज से होगी शुरू, कोहली 1907 दिन बाद बतौर खिलाड़ी के रूप में उतरेंगे मैदान में, ODI में पहली बार कप्तानी करेंगे KL राहुल।